नमस्कार, राधे राधे सभी को, जय माता दी। और आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आने वाले नवरात्रे के लिए, यानी कल से ही हमारे नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। और आप सभी को बता दूं, इस नवरात्रे में ऐसे कौन से खास उपाय करेंगे, ये तो मैं हर रोज़ के लिए, एवरी डे के लिए, माँ शैलपुत्री का जो रूप है, पहला दिन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो शैलपुत्री माँ जो है वो हर प्रकार की मनोकामना को पूरी करती है। और आपके ज़िंदगी में से जितनी मुसीबतें हैं, जितनी स्ट्रगल्स हैं, जितनी भी परेशानियाँ चल रही हैं, वो सबको ख़त्म करती हैं। तो माता शैलपुत्री को क्या क्या पसंद है, क्या करना चाहिए, विशेष रूप से नवरात्रि के पहले दिन क्या ऐसे खास उपाय करें कि धन का आगमन हो, और उसके साथ शैलपुत्री माँ की पूजा किस तरह से करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, उन तमाम तरह की चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। उसके पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर करिए। और तमाम तरह की वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करके रखें, चाहे आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करिए। तो अब बात करेंगे कि पहला दिन माता शैलपुत्री का नवरात्रे आ गए हैं, और आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभ अभिनंदन। और माता रानी आप सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज का दिन है महालया का दिन, यानी कि आज माता का अभिभर्व हुआ था। तमाम देवताओं ने मिलकर माता को अपने अस्त्र शस्त्र से सुशोभित किया, उनकी प्राण स्थापना की और चीज़ें लाइफ में। तभी उसके बाद दानवों ने बहुत ज़्यादा स्वर्ग लोक में अत्याचार किया था, तो माँ ने एक एक करके सबका मर्दन किया और स्वर्ग लोक में देवताओं का राज वापस से आया माता रानी की वजह से। उनके अंदर इतनी शक्ति, इतनी पावर है कि खोया हुआ राजपाट भी आपको वापस मिल सकता है। तमाम तरह के इस चीज़ों के बारे में जानने के लिए मेरे संग बने रहे। तो आज मैं बात करूँगी कि शैलपुत्री माँ को क्या पसंद है, क्या करना चाहिए, पहला दिन किस प्रकार से माता रानी की पूजा करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने सफ़ेद वस्त्र धारण किया हुआ है, तो माता रानी का जो पहला दिन है, उनको कलर, जो उसको रंग जो पसंद है माता रानी को, सफ़ेद रंग पसंद है। माता रानी के एक हाथ में है कमल का फूल और एक हाथ में त्रिशूल, जो कि ये इसका प्रतीत होता है कि वो शक्तिमान भी हैं और वो सौंदर्य भी हैं। तो खूबसूरती और शक्ति दोनों हैं माता रानी के अंदर, आपकी हर मुरादों को माँ पूरा करेंगे। सवेरे उठकर सफ़ेद कपड़े पहनकर धारण करके माता रानी की चौकी बिछाइए, कलश स्थापना करिए। जो व्यक्ति करते हैं, जो नहीं करते, वो माता की फ़ोटो या माता की प्रतिमा को नए वस्त्र अर्पण करें, चौकी बिछाएं, आसन दें माता को, अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं जो लोग वो करें, और जो घट बैठाते हैं वो घट बैठाए। घट स्थापने का अच्छा जो समय होता है सुबह का 8 बजे से लेकर 8:30 बजे का टाइमिंग जो है वो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा अब ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेकर 6 बजे के अंदर भी कर सकते हैं, और एक टाइमिंग है जो कि 9 से 10:30 बजे का बीच का समय। इन समयों पर आप घट स्थापना कर सकते हैं, इन समयों पर आप दीपक, अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, इन समयों पर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इन समय का बहुत ही बड़ा महत्व है, और आज से शुरू हो जाएंगे माँ दुर्गा के पहले दिन। तो नवरात्रि का पहला दिन, माता शैलपुत्री का दिन, उनको सफ़ेद रंग के पुष्प ज़रूर अर्पण करें, कमल का फूल उनको ज़रूर चढ़ाएं, सफ़ेद मिठाई ज़रूर चढ़ाएं, सफ़ेद मेवे जैसे कि काजू हो गया, या ड्राई फ्रूट्स कोई भी, मखाना हो गया, मखाना का माला अगर आप तैयार कर सकते हैं तो माता लक्ष्मी को भी चढ़ाएं, साथ में माँ दुर्गा को ही चढ़ाएं। एक्चुअली में ये जितने भी रूप है वो माँ पार्वती के रूप है, और पार्वती माँ के जितने स्वरूप हैं, जितनी भी मैं प्रशंसा करूँ उतनी कम है, और सबके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव लेके आती है। माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री कहा जाता है इनको, और हिमालय राज जो है वो इनके पिताजी हैं। तो कहा जाता है कि ये जो माता है वो, आप अगर इनकी पूजा अर्चना करते हैं, इनको अगर प्रसन्न कर सकते हैं, तो ये आपके लाइफ में सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करती है। यानी अभी तक अगर आपने अपने लाइफ के बारे में अगर सोचा होगा कि आप कभी कोई बोलते हुए आप सुन जाओगे किसी न किसी को कि मेरे पीछे ना बैकिंग नहीं है, मेरे पीछे ना सपोर्ट नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे पास आइडियाज़ हैं बट नोबडी इज़ रेडी टू इन्वेस्ट फॉर मी, या फिर किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अगला राजी नहीं है, आपके पास आइडियाज़ बहुत है लेकिन आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो एक चांस नहीं मिल रहा जिसमें आप अपने आप को एनहेंस कर पाए या प्रमाणित कर पाए, तो वो चांस दिलाती है माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री माँ की पूजा करने से आपके लाइफ में सपोर्ट सिस्टम सही हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और हिमालय राज की पुत्री होने के कारण हिमालय जो है वो अटल होता है, वो दृढ़ होता है। तो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी अगर लानी है तो माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करिए, सपोर्ट सिस्टम चाहिए तो माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करिए। आपके लाइफ में वो एक मौका अगर आपको चाहिए जिससे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, या आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ अब ये टाइम आ गया, अब अल्टीमेटली मुझे बैकिंग मिल गई, मेरे को सपोर्ट मिल गया, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, कुछ करने की इच्छा है तो कर सकता हूँ, तो ये जो काम है ये माँ शैलपुत्री करती हैं। तो इनको प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद पुष्प,
सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद कोई भी फूल, गुलाब का हो गया, कोई भी कमल का एक फूल ज़रूर इनको चढ़ाइए, घी का दीपक, या फिर अपने सामर्थ्य अनुसार नहीं संभव आपसे हो रहा है तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहे तो घी का करिए, तिल का प्रयोग करके अखंड दीप प्रज्वलित करें, जो लोग करते आ रहे हैं और जो करना चाहते हैं वो ज़रूर करिए, और जो नहीं कर रहे तो कम से कम सुबह शाम तो माँ की आरती ज़रूर गाइए। तो ये तमाम तरह की चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, ये सारे काम आपको करने हैं कल के दिन। एक विशेष काम जो धन के लिए आप करेंगे, मैंने पहले वीडियो में भी बनाई है, अगर अब तक नहीं देखा आपने तो देख लीजिए, 5 खास उपाय जो नवरात्रि में आपको करने हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, जाकर चेकआउट करिए। नहीं किया तो चलिए एक छोटा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ, एक लाल रंग का कपड़ा या लाल रंग की पोटली कल वाले ही दिन आपको खरीदनी है या लेनी है, या पहले से लेके रख सकते हैं लेकिन चाहिए कल, यानी कि पहले नवरात्रि में आपने उसको लाल रंग के कपड़े को या लाल रंग की पोटली को, उसके अंदर आपको जितनी भी आपकी कंट्री या आप इंडिया में है तो हाईएस्ट करेंसी 500 है, उसी तरह अलग अलग देशों की करेंसी जो है वो अलग अलग होती है, तो आपके यहाँ के जो हाईएस्ट करेंसी होगी उसको रखना है, उसके अंदर एक सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी का जो स्टिक होता है वो रखना है, एक तेज़पत्ता रख दीजिए, 5 भीमसेनी कपूर के ढीले डाल दीजिए, 5 फूल वाले लौंग डाल दीजिए, 2 इलायची या 5 इलायची उसमें डाल दीजिए, डालकर माता रानी से ये कामना करिए कि मेरे घर में धन की वृद्धि हो, आप मेरे घर पर धन धान्य को लेकर आएँ। ये तमाम तरह के अपनी जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनको आप अच्छे करके माँ को प्रेयर करें और उनके सामने रख दें, इसको आपको हाथ नहीं लगाना, इसको 9th डे में क्या करना है ये आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। दूसरी चीज़ ये कि कल आप अपने घर के चौखट पर दोनों तरफ ज़रूर दीपक प्रज्वलित करेंगे, घर पर पोछा लगवाएंगे, गौमूत्र डालकर घर पर सुगंधित अगरबत्तियाँ जलाएंगे। कल का दिन बृहस्पतिवार का दिन है इसलिए विष्णु जी की पूजा अर्चना करना बिल्कुल नहीं भूलना। केले के पौधे हैं तो उसमें कच्चा दूध और उसमें हल्दी मिलाकर ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए उस पर ज़रूर डालिए, और आज के दिन आप केले के पौधे की पूजा करें, विष्णु जी को पीताम्बरी यानी कि पीले रंग के वस्त्र अर्पण करें, सुगंधित अगरबत्तियाँ जलाएं, चारों तरफ आप गुलाब जल का छिड़काव करें, इत्र लगाएं, माता रानी को इत्र का भी भेंट दें, फल फूल और मिठाइयों का नैवेद्य का आप माँ को ज़रूर भेंट दें। ये तरह तरह की चीज़ें जो आज मैंने आपसे शेयर की हैं, आशा करती हूँ इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और जितनी मेरी YouTube की फैमिली है, Facebook फैमिली है, Instagram, आप मुझे कहीं से भी देख रहे हो, आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, इसी कामना के साथ आज इजाज़त चाहती हूँ, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।